23 अक्टूबर 1957 लुधियाना में एक लड़के का जन्म होता है। पढ़ाई लिखाई में खास दिलचस्पी न रखने वाला यह लड़का बचपन से ही सपना देखता रहता है बिजनेसमैन बनने का, और वह सपना को हकीकत में बदलने के लिए मात्र 18 साल की उम्र में बिजनेस में अपना पहला कदम रख देता है और 20,000 रुपए उधार लेकर साइकिल की पार्ट्स बनाने लगता है। कुछ दिनों तक यह काम करने के बाद उसे एहसास होता है वह इस बिजनेस में टाइम देकर ज्यादा सफल नहीं हो सकता। वो उस बिजनेस को बंद करके मुंबई चला जाता है और जापान से इम्पोर्ट किए जाने वाले जनरेटर को बेचने का काम शुरू करता है, और उसका यह बिजनेस उसे अच्छी प्रॉफिट देने लगता है। लेकिन उसके इस बिजनेस में भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। भारत सरकार जनरेटर के आयात पर रोक लगा देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो 1934 में ताइवान कंपनी किंग टेल के टेलीफोन को इम्पोर्ट करके बेचने का काम शुरू कर देता है, और आता है 1992 जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि उसे मोबाइल फोन नेटवर्क का लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद वो सफलता की ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि आज उस बंदे का नेटवर्क 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, वो इंसान है सुनील भारती मित्तल, जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन है। जय हिंद।